हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ और एक कंपेयर वीडियो में। तो कंपेयर होगा हमारे इस केक्सटैंग एम्पलीफायर, देख सकते हो कुछ सारे एम्पलीफायर इसके साथ। ये सोनी का ओरिजिनल सोनी का होम थिएटर। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, पहले इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं बताता हूँ कैसे क्या है। वैसे तो इसके ऊपर मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर है और काफ़ी सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक कंपेयर वीडियो बना लेता हूँ। तो चलो वीडियो को पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा एम्पलीफायर है, देख सकते हो कुछ ऐसा एम्पलीफायर है। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ ऐसा है। ये केक्सटैंग मॉडल नंबर है 1002, देख सकते हो। हाँ, और इसके अंदर जो फंक्शन दिए हुए वो है, देखो, माइक्रो यूएसबी कार्ड, फिर ऑक्स केबल से बजा सकते हो, फिर एसडी कार्ड से बजा सकते हो, डिजिटल स्टीरियो एम्पलीफायर लिखा हुआ है इधर कुछ ब्रांडिंग, और इसके अंदर जो है ब्लूटूथ भी चलता है। ये देखो, ब्लूटूथ भी फंक्शन भी है। और ये डुअल चैनल है, ये मतलब ऊपर नीचे चैनल है इसका, तो ये डुअल आईसी बोलते हैं इसको। तो ये देख तो बोलियो, ये बेस और ये ट्रैवल, ये ऊपर चैनल का है, ये नीचे चैनल का बेस, सेम कुछ है। और पीछे से मैं दिखाता हूँ इसका, पीछे से देख सकते हो कुछ ऐसा है। ये है बैटरी के कनेक्शन, 12 वोल्ट डीसी बैटरी, जो कि मैं इसके ऊपर में वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, देख सकते हो चाह तो कैसे आप बैटरी से बजा सकते हो इसको आराम से। और ये है टीवी के कनेक्शंस, ये और ये है हमारे स्पीकर के कनेक्शंस आउटपुट, देख सकते हो। मैंने यहाँ पर बता देता हूँ मैंने क्या क्या यूज़ किया है। मैंने यूज़ किया है, देख सकते हो, एक ये है मेरे पुराने होम थिएटर का निकाला हुआ 4 इंची का है शायद, हाँ इतना ही है। और ये है 4 इंच 5 इंच 5 इंच, ये देखो इधर एक है और पीछे में और एक है, देख सकते हो। और इसके ऊपर वाले में है इधर एक, देख सकते हो, और इसके नीचे में एक है, हाँ ये देख सकते हो, ये है 4 इंच का। टोटल 4 पीस हो जाते हैं। और ट्विटर के लिए मैंने यूज़ किया, ये देखो मेरे होम थिएटर का, ये होम थिएटर का ट्विटर, तो एक। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था, 2 3, और यहाँ पे छोटा सा स्पीकर लगाया मैंने, 4 5 6 6 ट्विटर लगाया मैंने, देख सकते हो कुछ ऐसा है। और मेरे साइड में है, इसके साइड में ये, तो इसके साइड में है सोनी का, जो कि DSA D10 है, ये देख सकते हो मॉडल SA D10, जो कि है 60 वाट का। और इसका जो आउटपुट है मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर, देख सकते हो इसका आउटपुट कुछ ऐसा है। आउटपुट AC 120 वोल्टेज, 240 V, 50 to 60, हर 60 वाट आउटपुट, DC 18 वोल्टेज, तो ऐसा है। तो इसका जो है 4.1 है, तो मैंने 2 ही स्पीकर लगाया, देख सकते हो 2 नीचे रखा हुआ है, मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया है। और इसका पीछे का जो कनेक्शन है, इसमें एक एडवांटेज है ये कि ब्लूटूथ नहीं है इसमें, तो इसमें ऑक्स केबल से चलाना पड़ता है इसको, तो बढ़िया है। बहुत पुराना मॉडल है ना, इसमें तो ब्लूटूथ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसका USB वाला जो ब्लूटूथ है वो एक खरीद के लाऊँ, तो जल्दी से इसको लाएंगे। और कुछ ऐसा है इसका व्यू, देख सकते हो। और इसका जो स्पीकर है शायद 6.6 इंची का है स्पीकर, ओरिजिनल सोनी का स्पीकर है 6 इंच का, तो देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो अभी दोनों का मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ, दोनों को आपको साउंड सुनाऊंगा कौन सा बेटर है, कौन सा वर्थ इट है। तो हालांकि सोनी, ओब्वियसली सोनी प्राइस के मामले में और ब्रांड के मामले में सोनी बहुत आगे जाता है, तो इसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने लिया था 1000 के आसपास, तो कुल मिला के ये 2000 में हो गया था मेरा सेटअप कंप्लीट। ये हालांकि ये मेरे घर पे थे, मैंने सिर्फ 2 स्पीकर बेस का खरीद के लाया था मार्केट पे, वही है 400 का लाया था, 2 स्पीकर वही, तो 1500 के आसपास मेरा कंप्लीट हो गया था सेटअप। तो जबकि यहाँ सोनी की बात करते हैं, तो सोनी का ये बहुत महंगा आता है, करीब 7 से 8 हज़ार में आता है। तो अभी तो ये शायद बंद भी हो गया होगा, अभी नया नया मॉडल आ गया है तो ब्लूटूथ वाले, तो फिर भी देखते हैं। चलो, आप लोगों को भी इंजॉय होगा आई होप। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं म्यूज़िक लगाता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे
एनसीएस का कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगा देता हूँ। तो पहले मैं वॉल्यूम को डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सोनी की बारी है, तो इसको पहले ऑन कर लेते हैं। इसका एक दिक्कत है, ये बार बार रिमोट से इसको ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं और इसका जो बेस सुन सकते हो आप, कितना नीट एंड क्लीन, और साउंड भी आपको क्लियर एकदम साउंड आएगा। मैं पूरा फुल आप कर देता हूँ। आप लोगों साउंड सुनते तो समझ में आ गया, तो इसका ऑब्वियसली सुन का साउंड बहुत क्लियर है, बेस भी बहुत लाउड है और साउंड भी बहुत लाउड है। तो इसके मामले में तो ये बढ़िया रंग है, लेकिन इसका इससे अगर रेंज की बात करें तो ये बढ़िया होगा। तो ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।